थर्ड पार्ट थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स इज़ पर्सनल सेलिंग जिस तरीके से उसके नाम से ज़ाहिर है इट इज़ वन ऑन वन सेलिंग जब हम पर्सनल सेलिंग की बात करते हैं इट इज़ एक्चुअली औरल कम्युनिकेशन और दी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कम्युनिकेशन इज़ टू सेल प्रोडक्ट्स टू कस्टमर वो किस तरीके से होती है वो किसी एक कस्टमर को होगी किसी एक प्रोस्पेक्टिव को होगी किसी एक प्रोस्पेक्ट को होगी किसी मल्टीपल प्रोस्पेक्ट को होगी ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सेल्स अचीव कर सके कस्टमर के साथ वन ऑन वन नॉर्मली पर्सनल सेलिंग उस तरह की प्रोडक्ट्स के ऊपर की जाती है कि जहाँ पर स्पेशल कस्टमर को उसकी स्पेसिफिकेशन उसकी प्रोडक्ट की नीड उसकी प्रोडक्ट की ब्रीफिंग प्रोडक्ट की टेक्निकलिटी की बेसिस के ऊपर जहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली डिसीजन ना ले सकता हो फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेड को पर्सनल सेलिंग करना चाहेंगे तो शायद ये को बहुत आइडियल प्रोडक्ट नहीं होगा टू सेल थ्रू दी पर्सनल सेलिंग लेकिन अगर आप मर्सिडीज की ऑडी की बी की बात करेंगे तो दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट विल बी मोस्ट प्रोबली विल सेल थ्रू पर्सनल सेलिंग सो डिपेंडिंग ऑन दी प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन दी नेचर ऑफ द प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन द टेक्निकलिटी ऑफ दी प्रोडक्ट डिपेंडिंग ऑन दी इनोवेटिवनेस ऑफ द प्रोडक्ट वो आपको पर्सनल सेलिंग इन्वॉल्व है या नहीं है ये डिसीजन लिया जाता है लेकिन द मोस्ट इफेक्टिव टूल इज पर्सनल सेलिंग अब अगर हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात करेंगे तो यस yes, वो नहीं होगा लेकिन अगर मैं उसकी बिजनेस इफेक्टिवनेस की बात करूंगा तो द मोस्ट इफेक्टिव बिजनेस इफेक्टिव मार्केटिंग टूल प्रोमोशन मिक्स इज पर्सनल सेलिंग हम देखते हैं कि क्या ऑब्जेक्टिव एक रिटेलर के होते हैं फ्रॉम दिस पर्सनल सेलिंग लेट मी शेयर इट विद यू क्विकली तो सबसे पहले पर्सनल सेलिंग के क्या ऑब्जेक्टिव है रिटेलर का द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज परसुड कस्टमर टू बाय जब आप किसी कस्टमर को पर्सनल सेलिंग करने जा रहे हैं तो एक्चुअली यू आर ट्राइंग टू परसुएट दैट कस्टमर ताकि वो बाय uh, कर ले आपके प्रोडक्ट को सो द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज टू जनरेट सेल्स फ्रॉम दैट कस्टमर दूसरा ऑब्जेक्टिव ये है स्टिमुलेट सेल्स ऑफ इंपल्स आइटम और प्रोडक्ट रिलेटेड टू कस्टमर बेसिक परचेज मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर फॉर एग्जाम्पल अगर आप गाड़ी को सेल्स करने के लिए जा रहे हैं एज ए पर्सनल सेलर एज ए सेल्स तो उस सूरत के अंदर आप कुछ ऐसी इम्पल्स प्रोडक्ट्स भी होंगी फॉर एग्जांपल वो गाड़ी के मैट्स हैं फॉर एग्जांपल उसकी एक्सेसरीज हैं सो कोई भी ऐसी चीज जो कि इम्पल्स डिसीजन के अंदर आती है यू कैन सेल दैट आल्सो। तो पर्सनल सेलिंग के थ्रू आप मेन प्रोडक्ट के अलावा यू कैन सेल मोर आल्सो सम रेलेवेंट इम्पल्स प्रोडक्ट्स जो कि ऑफकोर्स आप बहुत इजीली कन्विंस कर सकते हैं बाय करने के लिए किसी भी कस्टमर को दो सेकंड ऑब्जेक्टिव रिटेलर जो सेट करता है वो सेट करता है रिलेटेड टू सेलिंग ऑफ इम्पर्ल्स प्रोडक्ट्स इन कोऑर्डिनेशन विद द मेन प्रोडक्ट देन थर्ड कंप्लीट कस्टमर ट्रांजेक्शन अगेन पर्सनल सेलिंग के अंदर मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आप कस्टमर को पर्सनली हैंडल करें स्टार्टिंग फ्रॉम दी कोटेशन और इवन बिफोर द कोटेशन फ्रॉम द फर्स्ट विजिट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ दी ट्रांजेक्शन यू गेट योर सेल्फ इन्वॉल्व इन टू दैट अगर आप उस सारी ट्रांजेक्शन के अंदर खुद इन्वॉल्व होते हैं कस्टमर को बहुत पर्सनलाइज सर्विसज फील होती हैं सो दैट क्रिएट्स अ सक्सेस स्टोरी फॉर द रिटेलर दैट क्रिएट अ सक्सेस स्टोरी फॉर द इंडिविजुअल नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारे पास uh, जो पर्सनल सेलिंग का रिटेलर सेट करता है फीडबैक इंफॉर्मेशन टू कंपनी डिसीजन मेकरस क्योंकि आप डायरेक्टली इंटरेक्ट हैं कस्टमर के साथ वन ऑन वन रिलेशनशिप आपका कस्टमर के साथ है तो आपको बहुत सारी फीडबैक मिलेगा ऐसा जो कि आप अपनी टॉप मैनेजमेंट से शेयर कर सकेंगे वो पॉजिटिव फीडबैक भी हो सकता है वो नेगेटिव फीडबैक भी हो सकता है वो क्रिटिकल फीडबैक भी हो सकता है सो इन एनी सिचुएशन यू हैव दी अपॉर्चुनिटी टू गेट द फीडबैक डायरेक्टली फ्रॉम द कस्टमर और अगर आप वो करने में कामयाब हो जाते हैं फीडबैक लेने में कामयाब हो जाते हैं तो एक्चुअली आपने एक सक्सेस स्टोरी क्रिएट कर ली है अपने लिए इफ इट इज एन एडवांटेज यू कैन यूज इट टू बिल्ड योर इमेज इफ इट इज ए डिसएडवांटेज यू कैन यूज इट इन इंप्रूविंग योर प्रोडक्ट और सर्विस देन प्रोवाइड प्रॉपर लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि जब आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो आप पर्सनलाइज्ड कस्टमर सर्विसेज के ऊपर फोकस्ड हैं तो कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस को ना सिर्फ मीट करना बल्कि एक्सपेक्टेशंस को एक्सीड करना उसको सेटिस्फाइड कस्टमर से ग्रेटिफाइड कस्टमर में कन्वर्ट करना इज वन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग देन इम्प्रूव एंड मेंटेन कस्टमर सेटिस्फेक्शन तो जो कस्टमर की सेटिसफाइड है उसकी सेटिस्फेक्शन को और बेहतर करना जो मेंटेन सेटिस्फेक्शन के ऊपर है उसको इंप्रूव करना जो डिससेटिस्फाइड है उसको सेटिस्फेक्शन लेवल के ऊपर लेकर आना

ऑफ़ दी अदर प्रोडक्ट्स जो कि शायद अभी यू आर नॉट गोइंग टू टारगेट इन दैट तो आप यू हैव दॉर्चुनिटी एज एज ए सेल्स पर्सन के जब आप गोइंग टू यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट इन पर्सन विद द रिटेलर तो आप वहाँ पर रिटेलर को गाइड कर सकते हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में जो कि आप थ्रू वेब मेल सेल करें और प्रोडक्ट्स के बारे में जो आप ऑन द वेबसाइट कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स के बारे में जो आप थ्रू अदर मीडियम सेल करने की कोशिश कर रहे हैं सो so, ये Uh, वो मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एक रिटेलर सेट करता है पर्सनल सेलिंग के मेथड uh, के हवाले से पर्सनल सेलिंग के एलिमेंट के हवाले से क्योंकि प्रोमोशन मिक्स के अंदर इसकी बहुत अहमियत है अब इस पर्टिकुलर मेथड के क्या हमारे पास एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं मैं वो आपसे डिस्कस करने लगाऊँ तो पर्सनल सेलिंग के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं जो सबसे पहला एडवांटेज हमारे पास है तो मैसेज कैन बी अडेप्टिव जो भी मैसेज आप कस्टमर को देने जा रहे हैं दैट कैन बी अडेप्टिव मैनी वेज टू मीट कस्टमर नीड्स मतलब ये है कि आप किसी ना किसी तरीके से कस्टमर की सेटिस्फेक्शन को काम के ऊपर काम आपने करना है सो यू कैन ऑप्ट एनी वे यू कैन ऑप्ट मैनी वेज कि आप कस्टमर की नीड्स को पूरा कर सकें और उस कस्टमर को सेटिस्फाइड मुतमइन कस्टमर के तौर पर कन्वर्ट कर सकें फिर ये वो टाइम है कि जहाँ पर आप कस्टमर से इंटरक्ट करें तो ये हाई अटेंशन स्पैन है तो इस मेथड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि आप यू आर गोइंग टू टेक फीडबैक फ्रॉम द कस्टमर यू आर गोइंग टू गिव अटेंशन टू योर कस्टमर यू आर गोइंग टू गेट अटेंशन फ्रॉम योर कस्टमर तो इसीलिए लिए इंपॉर्टेंट मेथड है इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ऑफ पर्सनल सेलिंग इसमें जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत कम वेस्ट है जो एनर्जी है जो प्रोडक्टिविटी है वो बहुत कम वेस्ट है रिस्पॉन्स बहुत बेहतर है और यू हैव द चांस टू गेट द फीडबैक इमिजिएटली जो डिसएडवांटेजेस हैं इस मेथड से रिलेटेड वो सबसे पहले लिमिटेड नंबर ऑफ कस्टमर हैंडलिंग एट वन टाइम ये मुमकिन होता है कि आपको जब पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली यू आर हार्डली इट इज़ पॉसिबल कि आप बहुत नंबर ऑफ़ कस्टमर को डायरेक्टली डील कर रहे हो मैं इसलिए बार बार पर्सनल सेलिंग में वन ऑन वन की बात कर रहा हूँ इट कैन बी वन टू टू वन टू थ्री रेशियो वन टू फाइव रेशो लेकिन जितनी ज्यादा नंबर ऑफ कस्टमर्स बढ़ते जाएंगे इफेक्टिवनेस उतनी ही पर्सनल सेलिंग की कम होती जाएगी फिर इसकी कॉस्ट बहुत हाई है बिकॉज वन पर्सन फिजिकली डीलिंग वन कस्टमर सो द कॉस्ट इज टू हाई ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रमोशन मेथड डस नॉट गेट कस्टमर इन द स्टोर जब आप पर्सनल सेलिंग कर रहे हैं तो कस्टमर स्टोर के अंदर नहीं आ रहा आप उसको उसके ऑफिस uh, के अंदर आप उसको उसके घर के अंदर आप उसको उसकी प्रेमिस के अंदर डील कर रहे हैं तो कस्टमर जो है वो स्टोर के अंदर नहीं आता दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेज सेल्फ सर्विस डिस्करेज होती है इस तरह के मेथड के अंदर और नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड सेल्स पीपल अगर वो अग्रेसिव होगा अगर वो अनहेल्पफुल होगा तो एक्चुअली वो सेल्स पर्सन इज द फेस ऑफ द रिटेल स्टोर इन फ्रंट ऑफ कस्टमर अज्यूम कर लें कि वो सेल्स uh, पर्सन जो है वो अग्रेसिव है अनहेल्पफुल है डीमोटिवेटेड है वो uh, बहुत अच्छा बिहेवियर नहीं कर रहा है तो अल्टीमेटली जी कस्टमर विल गेट एन इम्प्रेशन कि रिटेल स्टोर ही ऐसा है तो इस मेथड के जहाँ बहुत सारे एडवांटेजेस हैं वहाँ कुछ ऐसे डिसएडवांटेजेस भी हैं कि जो के इग्नोर uh, नहीं किए जा सकते तो रिटेलर को ये डिसाइड करना है ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस ऑन द बेसिस ऑफ द बिजनेस इफेक्टिवनेस ऑफ दिस मेथड कि क्या उसने इस मैथड uh, को क्या उसने इस एलिमेंट ऑफ प्रमोशनल मिक्स को यूज करना है या नहीं करना सो so, अगर वो डिसीजन लेता है ऑफ़ कोर्स दिस विल रियली हेल्प इन बिल्डिंग द ऑब्जेक्टिव सेट बाई द रिटेलर